हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू विंसम डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल टुडे वी आर टेकिंग दिस टॉपिक टॉपिक नेम इज पैटर्न्स 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 ओके यस आर एवरीवेयर अराउंड अस इट कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नंबर्स ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स एंड शेप्स आपको किसी भी फॉर्म में पैटर्न मिल सकते हैं आपके घर पे जो बेडशीट बिछा होगा उसमें देखो कई बार ममा जो बेडशीट बिछाते हैं वो इस तरीके की चेक में होती है अच्छा आप जो शर्ट वेयर कर रहे हैं शर्ट्स में भी क्या होता है पे, पे ये जो चेक्स होती हैं, वो शर्ट्स में शो होती हैं, किसी शर्ट्स में ऐसे लाइंस होती हैं, राइट तो ये क्या है पैटर्न है मतलब डेफिनेटली आपको सेम थिंग रिपीटेशन में मिलेगा इट मींस वो क्या हो जाएगा पैटर्न अब टाइप्स ऑफ पैटर्न तो टाइप्स ऑफ पैटर्न में फर्स्ट नंबर जो है नंबर पैटर्न और अल्फाबेट पैटर्न Number pattern means आपको numbering show आपको आपको होगा. अब पे भी हो रहा है और अल्फाबेट भी जो हो रहे हैं वो भी इंक्रीजिंग हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं नाउ लेट स्टार्ट दैटर्न फॉर्म फ्रॉम नंबर्स आर और अल्फाबेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ओके फॉर एग्जाम्पल फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन एंड फिफ्टीन ओके ये आपको गिवन है बट यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एंड प्लस टू करके हमें ये लास्ट नंबर मिल गया हम इसको इसी चेन को हम आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल हमसे नेक्स्ट पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है तो फिफ्टीन प्लस टू कर देंगे तो इट मीन सेवेंटीन तो सेकेंड जो हमारा यहाँ पे नंबर होगा विच वन सेवनटीन ओके ये नंबर जो होगा सेवनटीन कैसे मिला हमने यहाँ पे क्या कर दिया प्लस टू इस तरीके से सेम कंटिन्यू ये चलेगा तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस फॉर्म में होंगे फाइव सेवन नाइन इलेवन और इस नंबर को वो फाइंड आउट कर ये कहेंगे तो इस नंबर को फाइंड आउट करने वहां आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेंगे प्लस टू प्लस टू ये हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इस नंबर 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 से और इस को. और को को इट फर्स्ट दोनों का कंपैरिजन करना होगा अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है वो कैसे पता चल रहा है हमें इंक्रीजिंग है क्योंकि देखिए फाइव देन सेवन क्या है बिगर सेवन से बिगर नाइन नाइन से बिगर इलेवन इट मीन यहां पे भी क्या आएगा इनसे बिगर नंबर आए आएगा तो बिगर नंबर बताने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए इसके साथ करने के लिए हमें प्लस टू करना होगा फिर हम अपने माइंड में रिपीट करके देखेंगे सेम पैटर्न सेवन प्लस टू नाइन होता है यस नाइन प्लस टू इलेवन यस देन इलेवन प्लस टू टीन इट थर्टीन हमारा आंसर तो सेम थिंग आपको किसमें मिल रहा है अल्फाबेट में भी मिल रहा है अल्फाबेट में क्या है डी लिखा हुआ है ठीक है डी ई एफ जी एच आई इट मीन इन्होंने वन वन मूव करते गए हम जैसा अल्फाबेट लिखते हैं ए बी सी डी ऐसे लिखते हैं ना तो इन्होंने वन वन मूव कर दिया इफ अगर मैंने कहा आपको डी लिखा है देन आपको क्या मिल रहा है एफ मिल रहा है देन जी स्किप कर हमने H दिया, हमने एच लिख दिया आई स्किप कर दिया तो उसके बाद हमें नेक्स्ट बता ओके okay? तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्किप किया है तो कौन सा स्किप किया डी e, तो e को तो इन्होंने क्या कर दिया स्किप कर दिया ई e को क्या कर दिया इन्होंने स्किप आफ्टर वाला ले लिया इन्होंने ई e, एफ फिर जी जी को भी क्या कर दिया इन्होंने स्किप कर दिया देन आफ्टर कम जी एच एच के बाद आई आई को स्किप कर दिया तो आई के बाद जो नंबर जो भी अल्फाबेट होगा वो हमें कौन सा मिलेगा टेल मी यहां पे क्या लिखेंगे हम जी तो जे जो है हमारा क्या हो जाएगा आंसर ओके डिक्रीजिंग नंबर और अल्फाबेट पैटर्न इट मीन्स आपको डिक्रीजिंग में नंबर्स भी मिल रहे हैं सेकेंड ऑप्शन आपको मिल रहा है अल्फाबेट वो तो हमें इंक्रीजिंग कर रहे थे और वो पैटर्न हमें कैसे समझ में आया इंक्रीज हो रहा है क्योंकि हमने नंबर्स को चेक किया था अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं okay, है आपको, आपको सबसे बिगर कौन सा मिलेगा बिगर होगा नंबर होगा अब देखिए डिक्रीज होते जा रहे हैं ट्वेंटी फाइव फिर ट्वेंटी तो बहुत लेस है तो ना? बहुत स्मॉलर नंबर है डिक्रीज तो हो होते जा रहे हैं अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि डिक्रीज ना नंबर का हो रहा है तो फाइव शो हो रहा है 30 -5, 25, 25 फिर फिर अब मुझे नेक्स्ट नंबर बताइएगा मी जल्दी से अपने रफ नोटबुक में लिखिए और बताइए मुझे क्या लिखेंगे फाइव माइनस फाइव कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा जीरो ओके तो सेम थिंग आपको अल्फाबेट में मिल रहा है यहाँ पे माइनस टू हो रहा है एल फिर जे फिर एच देन एफ फिर डी ऑफ फिर बी तो माइनस टू यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है माइनस टू क्योंकि इसके बाद तो क्या हो जाएगा ए हो जाता है ठीक है स्टार्टिंग हमारा ए से स्टार्ट होता है तो यहां पे तो हमारा पॉसिबल नहीं है बट यहां जीरो में मिल गया ओके नेक्स्ट फिगर पैटर्न एंड रिपीटेड फिगर पैटर्न इट मीन्स ये फिगर्स दिए होंगे ओके आपको कोई भी फॉर्म में वो फिगर्स दे रखे हैं फर्स्ट ट्राइंगल है तो यहाँ पे स्क्वायर भी हो सकता है हम okay? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ट्राइंगल ले लेते ले हैं पहले स्क्वायर ले लिया देन वन मोर स्क्वायर ले लेते हैं लिया हमने ट्राइंगल ले लिया, ले लिया okay? वन मोर ट्राइंगल

टू ही है यहाँ पे तो स्क्वायर बट यहाँ तो कितना मिल रहा है हमें थ्री स्क्वायर मिल रहे हैं तो यहाँ पे कौन सी शेप आएगी यहाँ पे हमारे स्क्वायर आएगा ओके और ये स्क्वायर कैसे आया क्योंकि हमारा पैटर्न में थर्ड नंबर पे कौन सा है स्क्वायर है तो सेम पैटर्न रिपीट होता जाएगा फाइव के बाद अगेन स्टार्ट हो गया है वन से तो ये अगेन वन फिर टू एंड थ्री तो थर्ड नंबर पे सेम सेम पैटर्न मिल रहा है हमें स्क्वायर स्क्वायर तो इसी तरीके से ये वाला पैटर्न के भी एग्जाम्पल्स दे रखे हैं इन्होंने फर्स्ट नंबर पे क्या मिल रहा है हमें ट्राइंगल देन सेकेंड स्क्वायर थर्ड सेकेंड सर्किल थर्ड स्क्वायर फिर सेम पैटर्न अगेन फॉलो हो गया है वन टू थ्री सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है फिर अगेन देखिए आफ्टर स्क्वायर आपको क्या मिल रहा है ट्राइंगल मिल रहा है आफ्टर स्क्वायर यहाँ पे भी हमें ट्राइंगल इट सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है अब आफ्टर अब बताइए मुझे यहाँ पे क्या बनेगा देख रहे हैं आप okay. यहाँ पे सेम यहाँ पे लाने के लिए कौन सा होगा ट्राइंगल क्लियर नेक्स्ट ग्रोइंग फिगर पैटर्न ग्रोइंग फिगर पैटर्न मीन्स दैटर्न फॉर्म फ्रॉम फिगर्स इज ग्रोइंग मैनर ग्रोइंग मैनर सबका पैटर्न सेम है देखिए सर्किल 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 मिल रहे हैं बट आप कुछ देख रहे हैं ये लाइन इनके साथ कुछ एडजस्ट की गई है ठीक है कुछ लाइंस लाइन्स अटैच है और उन लाइंस में ग्रोइंग हो रहा है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला लेते हैं आप विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन और यहाँ पे वन और वन टू थ्री एयर वन टू थ्री फोर एन वन टू थ्री फोर फाइव एंड नाउ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन और नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लेते हैं फाइंड तो आउट करेंगे next one के लिए आपको क्या करना होगा सर्किल लेना है तो मैंने सर्किल कितनी ड्रॉ करनी है लाइन्स ड्रॉ करना होगा एट क्योंकि सेवन तक हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और ये क्या हो गया एट हो गया एट लाइन मैंने जो ड्रॉ किया ये मेरा नेक्स्ट फिगर बन जाएगा क्लियर यस सेल्फ टेस्ट स्टार्ट फाइंड द मिसिंग नंबर अब हमें पहले तो ये सर्च आउट करना है इसमें कि जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट करना है और मिसिंग नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना होगा ये डिक्रीजिंग फॉर्म में है या इंक्रीजिंग फॉर्म में है? तो बताइए ये नंबर आपको कैसे शो हो रहे हैं इंक्रीजिंग में बिकॉज फोर सिक्स एट टेन फोर्टीन राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है तो अब हमें ये भी तो देखना है इनके बीच में डिफरेंसेस कितना है तो so सिक्स और फोर ठीक so है लेस कर दीजिए सिक्स माइनस फोर टू अब हम इन्हें एड करके देखते हैं फोर प्लस टू करेंगे तो सिक्स होगा क्या यस yes, फाइव और सिक्स फिर सिक्स प्लस टू एट एट प्लस टू टेन टेन प्लस टू ट्वेल्व ट्वेल्व ए ऑप्शन वन इज इज आंसर आंसर ए करेक्ट तो हमारा answer क्या हो जाएगा ट्वेल्व और ऑप्शन नंबर ए ना सेकेंड क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग फिगर मैम ने बताया था आपको कि फिगर के अंदर पूछते हैं वो तो देखिए यहाँ पे टॉय कार दे रखा है फिर हॉर्स दे रखा है डॉग है फिर सेम वही पैटर्न रिपीट हो रहा है जो फर्स्ट नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वो जो पैटर्न है वो सेम रिपीट हो रहा है यहाँ पे पूछ रहे हैं विच वन इज कम तो विच वन इज कम कम होगा सेकेंड वाला ऑप्शन इज नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फाइंड द मिसिंग नंबर अगेन मिसिंग नंबर अब हमें देखना है डिक्रीजिंग फॉर्म में है या इंक्रीजिंग फॉर्म में तो देखिए इंक्रीजिंग फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे 18, 15, 12 देन क्वेश्चन को टप किया इन्होंने देन सिक्स एंड थ्री इट मींस ये कौन से ऑर्डर में है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है इंक्रीजिंग में तो नहीं है तो इनका डिफरेंसेस देखना है हमें एटीन और फिफ्टीन के बीच में डिफरेंसेस थ्री देन फिफ्टीन और ट्वेल्व के बीच में डिफरेंसेस जो आ रहा है ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं कितना आ रहा है ये माइनस थ्री यहाँ माइनस थ्री अब ट्वेल्व माइनस थ्री करना होगा हमें क्योंकि यहाँ पे भी तो माइनस होगा ठीक है तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा नाइन फिर नाइन वेयर इज नाइन ऑप्शन इज करेक्ट ओके नाउ नेक्स्ट वन अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख रहे हैं ये कह रहे हैं फाइंड द मिसिंग फिगर ये फाइंड द मिसिंग फिगर वही सेम पैटर्न है जो हमें प्रीवियस स्लाइड में किया था हमने उसमें क्या किया था सर्किल्स बने हुए थे ना और वो क्या हो रहे थे जो लाइन्स जो इसके साथ अटैच थी उसमें ग्रो कर रहे थे राइट वन टू थ्री फिर वन टू थ्री फोर ऐसे डि हो रहा था ग्रोइंग हो रही थी लाइन्स बट यहाँ पे हमें लाइन्स नहीं अवेलेबल है हमें यहाँ पे डॉट्स अवेलेबल तो हेयर इज वन हाँ टू डॉट थ्री डॉट फोर डॉट और ये फिफ्थ नंबर पे उन्होंने पूछा है तो फिफ्थ नंबर पे कौन से डॉट्स होंगे फाइव डॉट तो वेयर इज फाइव हियर तो नाइन मीन डी ऑप्शन इज करेक्ट और फिर नेक्स्ट पैटर्न में देखिए आपको सिक्स डॉट मिल रहे हैं राइट right? यहाँ पे कितने मिल रहे हैं सिक्स डॉट मिल रहे हैं इट मींस फिफ्थ डी ऑप्शन इज करेक्ट ओके नाउ इट्स टाइम टू एक्सरसाइज दैट वाज अ सेल्फ टेस्ट नाउ इट इज अ एक्सरसाइज ऑब्जर्व द गिवन नंबर पैटर्न्स केयरफुली एंड फाइंड द मिसिंग नंबर मोस्टली नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे तो पैटर्न वाला तो ईजी है पैटर्न में तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है अगर फिगर्स दिए रखे हैं तो सेम ही फिगर देखना है तो, तो हम जल्दी से टैली कर लेंगे कि कौन सा है मैच ही तो करना है बट जो नंबर्स वाले हैं बेटा इनको प्रॉपर अच्छे से देखना है क्योंकि नंबर्स में अगर हमने माइनस में या एडिशन में सब्टेक्ट करते टाइम या एडिशन करते टाइम हमने कुछ मिस्टेक कर दिया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गलत फॉर्म में आ जाएगा ओके तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए और एग्जैक्ट एकदम सही आना चाहिए सेवन फोर्टीन ट्वेंटी वन तो टेबल लग रहा है राइट सेवन सेवन एड हो रहा है तो so ये देखो गिफ्ट्स हैं यहाँ पे और फिर उनके ऊपर लेबल किया हुआ है, 110, 120, what comes after? 10, 10 का है. देखो वन हंड्रेड टेन एंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फिर वन हंड्रेड थर्टी हो जाएगा फोर्टी देन फिफ्टी राइट right? 10 10 इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं ये 110 120 130 130 वेयर इज इट सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट कि कुछ चॉकलेट्स हैं उनके ऊपर लेबल किया हुआ है ठीक है 25 आई एम राइटिंग हियर 30 35 एंड 40 एंड व्हाट कम्स आफ्टर फोर्टी जो ये चॉकलेट है इस पे बताना है हमें क्या नंबर लिखेंगे तो बेटो देखो इसके अंदर आपको कैसा शो हो रहा है ये डिक्रीजिंग है है और इंक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिकॉज देखो बिगर होता जा रहा है राइट ये नंबर किस में हो रहे हैं बिगर होते जा रहे हैं और कितना फॉर्म आ रहा है इसमें प्लस फाइव हो रहा है कितना मिल रहा है हमें प्लस फाइव मिल रहा है सब नंबर्स में हमें प्लस फाइव मिलेगा तो यहां पे बताने के लिए नंबर बताइए प्लस फाइव बताना है तो फोर्टी प्लस फाइव फोर्टी फाइव राइट ये जो क्वेश्चन मार्क लगा है हमारा कितना हो जाएगा फोर्टी फाइव ऑप्शन है नाउ टी वन सेवनटी देखो अब डिक्रीजिंग हो रहा है ये इंक्रीजिंग पैटर्न में था ये डिक्रीजिंग पैटर्न में है तो फोर्थ क्वेश्चन में डिक्रीजिंग पैटर्न में है तो हमें फाइंड आउट करना है कितना डिक्रीजिंग हो रहा है तो देखो सेवनटी एट सेवनटी एट के बाद हमारा अगर हम एटी वन तक जाते हैं तो कैसे हो जाएगा सेवनटी नाइन एट्टी और एटी वन इट मीन हमने कितना टाइम्स किया इसको थ्री टाइम्स डिक्रीज किया कैसे एटी वन हो गया एट्टी सेवेंटी नाइन सेवनटी एट और हमारा क्या लिखा है एट लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे थे और ये टू क्या कर दिया हमने देखना होगा तो सेवन के बाद उसके बाद क्या लिखेंगे हम सेवेंटी सिक्स देन सेवनटी फाइव थर्ड नंबर पे हमें क्या मिल रहा है सेवनटी फाइव देन हम आएंगे सेवनटी फोर सेवनटी थ्री और अब क्या लिखेंगे हम सेवेंटी टू क्योंकि हर के बाद क्या होगा पैटर्न सेम हो रहा है यहाँ पे 78 75 देन टू नंबर्स हमने स्किप कर दिए तो 72 वेयर इज 72 The 72 तो मैम यहाँ पे क्या लिख देंगे 72 हमारा आंसर टैली भी करना है हमें कि 72 तो लिख दिया मैम ने ठीक है फिर 70 फिर 70 72 के बाद यहाँ पे 71 देन 70 कंटिन्यू जा रहा है वहां पे और फिर क्या लिख रहे हैं 6 तो थर्ड पैटर्न पे हमारा क्या लिख रहा है थर्ड वाला जो हमने फॉलो किया इसको 69 हमें अवेलेबल है इट मीन हमने कितने नंबर्स स्किप किए टू हमने क्या कर दिए स्किप कर दिए तो इट मीन हमारा आंसर 72 टू एक्सम करेक्ट ओके फोर एट ट्वेल्व ओके ये भी क्या है टेबल है किसका टेबल है फोर का टेबल है फोर वन जै फोर फोर टू जो एट राइट फोर थ्री जो ट्वेल्व अब फोर फोर क्या लिखेंगे मैम सिक्सटीन पे ऑप्शन इन लिख देंगे टेबल के अकॉर्डिंग करना है तो वैसे भी कर सकते हैं नहीं तो देख रहे हैं आप ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है हमें डिफरेंसेस निकालने हैं फोर फोर हमें ऐड भी कर सकते हैं तो ट्वेल्व प्लस फोर करेंगे तब भी क्या आएगा सिक्स ओके क्लियर तो सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट ट्वेंटी वन फोर्टी टू अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है देन एटी फोर वन हंड्रेड फाइव ये भी इंक्रीजिंग हो रहा है तो इन दोनों का पहले हम डिफरेंसेस निकाल लें तो 42 और 21 ओके okay? इन दोनों का डिफरेंसेस निकालते हैं तो वन और यहां पे कितना लिख रहा है टू ओके इट मीनस इन्होंने कितना एडिशन किया है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन एड किया है ओके मी चेक फोर्टी टू प्लस ट्वेंटी वन तो थ्री और सिक्स ये कह रहे हैं यहां पे क्या आना चाहिए सिक्सटी थ्री चेक करते हैं 63 सही भी है कि नहीं 63 मिल रहा है तो इसका मतलब ये तो है हम बी पे ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे ये हमारे कुछ 63 लिख दिया देन 21 कर देते हैं यहाँ पे कितना लिखेंगे 63 प्लस 1 4 ये 3 प्लस 1 4 हो गया 6 प्लस 2 8 तो so इट means 84 ओके okay, 84 में भी हम क्या करते हैं 21 ऐड करके देखते हैं तो so 4 प तो देखिए 84 और जो मिला है हमें 84 और 105 वो नेक्स्ट पैटर्न पे है 84 और 105 यस yes, फाइव मिल रहा है हमें पे 84 है और वी गॉट तो इट मीन 63 जो ये आंसर है हमारा सही है बी ऑप्शन इज करेक्ट आपको पैटर्न को फॉलो करना है वो उसमें क्या ऐड किया गया है और मोस्टली मैं अगेन बार कह, बार बार कह रही हूं कि जो क्वेश्चंस पुट अप होगा एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके नंबर से रिलेटेड ही होंगे क्योंकि तो नंबरिंग में थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो कंफ्यूज हमें होना नहीं है हमें अपना कंप्लीट पैटर्न चेक करना है वन इज करेक्ट और उसको हमें पुट कर देना है मार्क्स उस पे टिक टिक वन हंड्रेड ट्वेंटी वन हंड्रेड फाइव नाइनटी सेवेंटी फाइव

इतना हो जाएगा फाइव देन वन यहां पे वन माइनस वन जीरो इट मीन फिफ्टीन इन्होंने इसके अंदर कंटिन्यू लेस करते गए सेवन माइनस फिफ्टीन करेंगे तो स्टार्ट करिएगा फाइव माइनस फाइव जीरो सेवन माइनस वन सिक्स इट मीन ये कितना कह रहे हैं सिक्सटी कह रहे हैं कि डी ऑप्शन इज करेक्ट अब नेक्स्ट को भी टैली करके देख लेते हैं सिक्सटी माइनस फिफ्टीन तो 60 माइनस बिकॉज हमारा आंसर क्या है 60 है तो नेक्स्ट डिजिट हमारे पास अवेलेबल है चेक कर लेते हैं हम अपना आंसर यहाँ पे हमने कैरी फॉरवर्ड किया इसको से बोरो कर लिया वन बोरो करते ये टेन हो जाएगा कट हो गया देन यहाँ फाइव टेन माइनस फाइव 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 माइनस वन फोर यस 45 और फोर्टी बोथ आर सेम इट मीन्स हमारा आंसर डी इज करेक्ट ओके नाउ फोर्टी वन फिफ्टी वन सिक्सटी वन जो इस तरीके के पैटर्न होते हैं उनको बहुत ईजीली कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा जो है है वो कितना हो रहा है? 10 -10 का फोर्टी वन फिफ्टी वन सिक्सटी वन देन सेवेंटी वन पियर इज सेवेंटी वन बी ऑप्शन करेक्ट नाउ नाइन्थ क्वेश्चन कुछ पेंसिल्स अवेलेबल है और इन पेंसिल्स में कुछ स्त्री मार्क किए गए हैं और वो नंबरिंग क्या है राइटिंग है okay. अब देखिए हमें फिर ये ये करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंक्रीज हो रहा है ना लास्ट देखो 25 हो रहा है 15 से स्टार्ट हुए थे हम 25 तक आ गए हैं तो ये क्या हो रहा है सब पैटर्न्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहे हैं अब कितना इंक्रीज हो रहा है वो देख रहे हैं फिफ्टीन सिक्सटीन स्किप किया इन्होंने सेवनटीन

इट इज 44 ई ऑप्शन इज करेक्ट आओ इतने सारे कोनंस मिल रहे हैं हमें आइसक्रीम कोनंस मिल गए और उन पे टेबल है 19 24 29 क्वेश्चन मार्क लग गया है अब ये आंसर्स तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ने निकाल ही लिया होगा इनका आंसर क्या है जल्दी से मुझे अपना रफ नोटबुक में लिख के सॉल्व करके बताइएगा क्योंकि इनका डिफरेंसेस कैसे आएगा 24 माइनस क्या करना है हमें 9d तभी तो हमें डिफरेंसेस पता चलेगा यहाँ का कि कितना है तो 24 फोर माइनस नाइनटीन कर सकते हैं और अगर आपको थोड़ा ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है कि इसमें माइनस करने में हमें प्रॉब्लम होगा इससे बोरो करना पड़ेगा 14 माइनस नाइन करके करना पड़ेगा फिर यहाँ पे 5 लिखेंगे और अगर ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है तो हम क्या करते हैं काउंटिंग तो कर सकते हैं ट्वेंटी फिर उसके बाद ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ओके फाइव फाइव का तो है ही वैसे बट लेकिन हमें ऐसे कर लेते हैं नाइनटीन तो गिवन है तो हमने कितना देख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव इट मीन फिफ्थ नंबर वाला हमने नंबर लिख दिया है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम काउंटिंग कंटिन्यू लिखते हैं ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी फिफ्थ नंबर लिखना है हमें तो फिफ्थ नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे देखो वन टू थ्री फोर फाइव ट्वेंटी नाइन तो ट्वेंटी नाइन गिवन है आफ्टर ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर अब देखिए तो ट्वेंटी उसके बाद हमें काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव तो थर्टी फोर तो वेयर इज थर्टी फोर ए ऑप्शन इज ओके इस तरीके से भी कर सकते हैं आप और ये थोड़ा टाइम टेकिंग है क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए हमें क्या करना है हम इसको सब्टैक्ट करके फाइव डिजिट अपने फिंगर्स पे काउंट किया और नेक्स्ट नंबर भी हम लिख सकते हैं ओके इन दोनों का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो कितना करेंगे ये फोर्टीन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ से क्या कर लिया था वन बोरो कर लिया ये वन हो गया फोर्टीन माइनस नाइन करेंगे तब भी कितना हो जाएगा फाइव होगा यहाँ पे भी हमने नंबरिंग जो काउंट किया वो कितना है देख लीजिए वन टू थ्री फोर

अब हमें बताना होगा कि इस नंबर पे जो क्वेश्चन मार्क पुट किया हुआ है इस पे कौन सा नंबर होगा अगेन हमें क्या करना है इनको देखना है किस फॉर्म में है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने की वजह से इनको हमें कितना डिफरेंसेस है वो भी फाइंड आउट करना होगा तो सेवनटीन माइनस थर्टीन करेंगे तो कितना लिखेंगे बताइए फोर का डिफ्रेंसिस हो जाएगा तो फोर इसमें हम एड करते जाएंगे तो देखो सेवनटीन प्लस फोर करेंगे तो कितना लिखेंगे 4, 1 लिखा आंसर तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव वेयर इज ट्वेंटी डी ऑप्शन ओके देखिए वन हंड्रेड एट वन हंड्रेड एटीन वन हंड्रेड एट है सेकेंड नंबर हमें गिवन है 118, थर्ड नंबर उन्होंने क्वेश्चन मार्क पुट किया है फोर्थ नंबर 138 देन 148 तो so, देखो आप इंक्रीज देख रहे हो ना 138 देन 148 ये जो टेंस का दिस वन इज वंस टेंस में इंक्रीजिंग हो रहा है राइट तो जीरो था वन व्हाट कम्स आफ्टर वन टू तो हम टू सर्च कर लेते हैं ये रहा तो ऑप्शन इज करेक्ट ओके और सेम लास्ट जो वंस प्लेस का डिजिट है वो क्या है एट है तो एट भी हमें अवेलेबल है 1 भी प्लेस पे है है तो हमें तो तो हमें कौन सा करना था हमने कर लिया अपना ये जो अब का नहीं है अब ये फिगर का पैटर्न फिगर का पैटर्न तो वेरी इजी है क्योंकि हमें सेम फिगर देखना है और उसको अपना टिक कर देना है पुट कर देना है मार्क उस पर तो स्टार बॉल दे रखी है देन फ्लावर फिर स्टार बॉल फ्लावर स्टार फिर स्टार के बाद हमें सर्च आउट कर लेना है कौन सा है बॉल ओके okay, तो बी ऑप्शन करेक्ट नाउ अगेन फिगर आउट कर दिया हुआ है फिगर्स दे रखे हैं आपको उसके अंदर आपको सर्च करना है आफ्टर पाइन कौन सा है एप्पल ओके आफ्टर पाइन हमने एप्पल एप्पल पे टिक कर दिया तो एप्पल इट मीन ऑप्शन इज करेक्ट ओके एटीन देखिए यहाँ पे आपको कुछ शेप्स दे रखी हैं ये कौन सी शेप्स हैं टेल मी थ्री डायमें वेरी गुड ओके तो सबसे फर्स्ट जो दे रखा है वो क्यूब देन स्पेयर फिर देन कौन सा है ये कौन फिर यहाँ पे ये शेप सेम फॉलो होने लग गया राइट पैटर्न रिपीट होने लग गया तो विच हियर इज कम ओके और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको यही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है राइट right? नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे से हमें देखने हैं इनको थोड़ा केयरफुली लेना है बेटा ओके okay? क्योंकि जो भी बॉक्सेस तो आपको सबको सेम दिखेंगे बट यहाँ कुछ शेडो किए गए कुछ आपको शेडोज करके हुए मिलेंगे इन जो स्क्वायर्स है इनको फोर ये स्क्वायर्स को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया और इनका जो पैटर्न है उसमें इनको वन पार्ट को इनको वन फोर्थ जो पार्ट है इनका उसको इन्होंने क्या किया हुआ है शेडो किया हुआ है ओके okay, अब हमसे पूछा है नेक्स्ट वन कौन सा है वो बताना है तो देखो फर्स्ट वाला इन्होंने इस तरफ किया ओके okay? अपना हैंड का देखो कौन से साइड का किया है इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड का कर लिया शेडो फिर देन राइट हैंड साइड का शेडो किया फिर इन्होंने डाउन पे आ गए हैं ठीक है ये तो अप पोजिशन का किया देन डाउन पोजिशन पे देखिए कौन से पैटर्न पे किया सेम इसी के जस्ट पास वाला ओके okay? देन इधर कर लिया उसके बाद अगेन देखो कौन से पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं हम फर्स्ट वाले को फॉलो कर रहे हैं तो कौन सा आएगा सेकेंड वन ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे अपना फॉलो करना है तो ऐसा वाला शेडो कहाँ मिल रहा है हमें अप पे होना चाहिए और राइट हैंड साइड होना चाहिए अप पे है और राइट हैंड साइड है अब देखिए दोनों सिमिलर दिख रहे हैं है। मैम ने शेडो किया हुआ है दोनों पैटर्न सेम है यस तो ऑप्शन इज करेक्ट ओके आज के सेशन में इतना ही बेटा मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए प्रैक्टिसिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो